नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल तेजश्री कॉन्टेक्ट में। दोस्तों, मैं तेजराम मेहरा, आप जैसा कि जानते हैं मैं पिछले 20-22 साल से इस लाइन में हूं, और मैं अपनी जो भी मैंने काम किया है, मेरा अनुभव है, मैं उसको आपके साथ शेयर करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राइवेट जो कंपनियां होती हैं उनसे हमें काम कैसे लिया जाता है। अब दोस्तों, मैं आपको इस पे एक तरीका बताऊंगा जिससे आप आगे फंसेंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो L&T कंपनी, जैसे कहते हैं कि हमें L&T कंपनी में काम लेना है। ऐसी कंपनियां बहुत हैं, जैसे L&T हो गई, NBCC हो गई, ये गेल हो गई, बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी हैं, आपको आइडिया भी नहीं है। अगर आप इस चीज़ को देखना चाहते हैं कि कितनी कंपनियां हैं, तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, बहुत बड़ी कंपनी है। ये कंपनियों के अंदर अगर आपको काम लेना है, चाहे आप इलेक्ट्रिकल का काम ले सकते हैं, चाहे आप सिविल का काम ले सकते हैं, इनके अंदर बहुत सारा काम है, बहुत सारी अलग अलग, जो भी आदमी काम करना चाहे। बहुत सारे कहते हैं कि सर हमें हाउसकीपिंग का काम लेना है, वो भी मिल जाएगा। बहुत सारे कहते हैं सर हमें पार्किंग वगैरह का, जो घास वगैरह लगाते हैं उनका भी काम होता है, उसको भी आप ले सकते हैं। बहुत सारे कहते हैं सर हमें शीशे का काम करना है, आप शीशे का काम भी ले सकते हैं। आप वुड वर्क होता है, जो लकड़ी का काम होता है, उसका भी काम आप ले सकते हैं। आप जो फैब्रिकेशन होता है, लोहा लकड़ का काम होता है, गेट ग्रिल दरवाजे वगैरह वो बनाते हैं, या आप उसका बनाते हैं, एल्युमिनियम का बनाते हैं, तो उसका भी काम इसके अंदर ले सकते हैं। बहुत सारे काम हैं, यानी दोस्तों बिल्डिंग के अंदर जितने भी काम आपको आते हैं, आप कोई सा भी काम करते हैं, आपको जो भी काम आता हो, किसी भी प्रकार का काम आता हो, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर सारी चीज़ें फॉलो होती है, सारी चीज़ें लगती है, और जो बिल्डिंग के अंदर लगती है अगर आप वो काम करते हैं, तो आप बड़े बड़े कंपनियों में ये काम ले सकते हैं। और इसको लेने के लिए आपको क्या करना होगा, अपनी फर्म बनानी होगी, उसके लिए आपको बड़े काम करने होंगे। पहले आप छोटी फर्म बनाएं, छोटी शुरुआत करें, जीरो से, ये मेरा मानना है। आप वैसे आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहें वो कर सकते हैं, मैं किसी को बाध्य नहीं करता हूँ। आप अलग तरीके से सिस्टम बना के चले, क्योंकि जब तक आदमी जीरो से नहीं चलेगा, तब तक आदमी आगे बढ़ने के लिए एकदम बड़ा काम करेगा तो आदमी फंस जाता है। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप जीरो से स्टार्ट करें, छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करेंगे तो आपको ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो फायदेमंद हो सकती है। छोटे छोटे काम करें, पहले आप पेटी में काम करें, पेटी में काम करते करते किसी ठेकेदार से काम ले लें, पहले छोटा काम ले फिर बड़ा काम ले, हो सकता है आपको पेटी में काम लेने में कम बचे, या आपको बहुत ही कम बचे, या आपको बराबर का रह जाए कि ना घाटा हो ना आपको ज़्यादा बचे। ऐसे काम कर करके आप फिर अपनी नॉलेज बढ़ा लें, काम के तरीके बढ़ा लें, फिर उसके बाद में जाके आप बड़ी बड़ी कंपनियों में ये काम ले सकते हैं। और बड़ी बड़ी कंपनियों में टेंडर निकलते हैं, उनको आप वहाँ से टेंडर डायरेक्ट देख सकते हैं। ये चीज़ें आपको सोचने में शायद बड़ा लग रहा होगा कि मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें अगर आपने धीरे धीरे करके किसी चीज़ में आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, आपको बहुत सारी कंपनियाँ जिनके अंदर आपको टेंडर भी मिल जाएगा, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं उनसे आप जानकारी रखेंगे तो उनसे आपको काम मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी टेंडर होते हैं, प्राइवेट टेंडर होते हैं। वहाँ पर सारी प्रोसेस सरकार की तरफ जैसे टेंडर निकलते हैं, उसी तरीके से सारे प्रोसेस होते हैं। पहले काम स्टार्टिंग छोटे से करें, उसके बाद में बड़े काम करें तो डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट करें और कंपनी से ही टेंडर उठाएं, जिससे आपको ज़्यादा बचत हो सकती है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आप ये मत सोचना कि आपकी जेब में पैसे नहीं हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप बिना पैसे के ये बिजनेस कर लो, दोस्तों ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये बताना, यूट्यूब के अंदर बातें करना अलग बात है और प्रैक्टिकल काम करना बहुत अलग बात है। अगर आप सोचते हैं कि बिना पैसे के कहीं पे काम हो जाता है तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि ये लाइन ऐसी है, इसके अंदर बात बात के लिए पैसे चाहिए होते हैं। आपको काम करना है, आपको माल खरीदना है, आपको टेंडर लेना है, तो सारी चीज़ों के लिए आपको टेंडर भरना है, क्योंकि आपको हर जगह पैसे से काम चलेगा, क्योंकि बिना पैसे के काम नहीं होता। आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें कि जितना आपका एवरेज टेंडर है उतने का आपको बजट होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप इस तरीके से टेंडर लेके, प्राइवेट टेंडर लेके भी आप आगे कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं। आप और जानकारी के लिए आप अपने चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्ट पर जाइए,
और बहुत सारे वीडियो हैं जो आपको मिल जाएंगे इसे टेंडर से रिलेटेड, कैसे देखते हैं बीओक्यू क्या है, कैसे क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, प्राइवेट ठेकेदारी की फर्म कैसे बनाते हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं जो आप अपने चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप एक लाइक ज़रूर करेगा। थैंक यू दोस्तों।